जी दोस्तों, मैं आज इनको सेब और अमरूद वगैरह खिलाता हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो इनको नाश्ता करवाते हैं आज। आ जाओ। सुबह इनका नाश्ता सेब और अमरूद से कराते हैं। ये देखें, ऊपर चला गया। आ जाओ। पूरी प्लेट छीनने लगते हैं, पूरी प्लेट छीनने लगते हैं। फीमेल किसी और को आने नहीं दे रही। तुम भी खाओ, चलो सारे खाओ। एक टुकड़ा सारे खा रहे हैं। चलो मैं इसको रख देता हूँ, देखते हैं किस तरह ये आते हैं। जी दोस्तों, मैंने रख दिया है। मैं आपको अभी मैंने इसको रखा था तो लड़ने लगे थे, तो इसको मैंने फिर नीचे रख दिया है। तो आप ये देखें, ये किस तरह खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता इस तरह कर रहे हैं ये। चलो भी नीचे आ जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ। ये समझता है कि मुझे ऊपर ही खिलाएगा, लेकिन ये देखें प्लेट उतर गई। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, खा लो सारे, तुम भी खा लो। आज तो ये अमरूद देख ही नहीं रहे, कल तो ये अमरूद भरता बना रहे थे। ये देखें, अमरूद को काट के नीचे गिरा देते हैं और ये इसके अंदर जो बीज है वो निकालते हैं। ये देखें, ये सेब जो है ये ऊपर से खा लेते हैं। आ जाओ, सारे खा लो। नाश्ता कर लो। तो इनको मैं दोपहर के बाद जो है इनको फीड डालूँगा। जैसे कि हाथ भी काट रहे हैं। सेब इनको बड़ा पसंद है। जो सारे इधर ही खा लो। कोई तो एक टुकड़ा लेके ही भाग जा रहे हैं। आज ये सारे ये फीमेल्स बड़े चाव से खा रही है। चलिए इनको मैं इधर रख देता हूँ, ये खाते रहेंगे। तो आज मैं अपने डॉग के जो है तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इनके लिए मैं कुछ ना कुछ ब्रीडिंग के लिए लगा देता हूँ। चलो आगे, चलिए इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखो जो सारे, चलो ये लोग खा लो, नाश्ता कर लो। मैं अभी दूसरा काम कर देता हूँ। ये देखो ये आएंगे, आज सारे अब तो सारे ही आ जाएंगे। देखते सारे आ जाएंगे। ये देखें, लेके उड़ भी जाएंगे। ये देखें, लेके सारे उड़ जाएंगे। ये देखे, इतनी जल्दी इसने बीज भी निकाल लिया। ऐसे इतनी जल्दी आवाज़ भी आने लगी है, ये बीज खाने भी लगा। चलिए चलते हैं डाब के केज के अंदर, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से मैंने इनको फीड डाली है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये कितने बढ़ चुके हैं, काफ़ी तादाद हो चुकी है इनकी। तो जो घोंसले मैंने लगाए थे, टोकरियाँ मैंने लगाई थी, वो कम पड़ गई हैं। तो मैं दूसरी टोकरियाँ लगाता हूँ इनके लिए, फिर मैं सेटिंग करता हूँ। ये देखिए अभी नीचे आ जाएंगे, अभी जो थोड़े से हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा ऐसा ये आना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखिए ये तकरीबन 3 से ये 8 हो गए हैं अभी भी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 12-14 हो चुके होंगे। अभी ऊपर काफ़ी बैठी है, पट्टे भी हैं, बड़े भी हैं, काफ़ी में हैं। और मैं रेड लेके था वो भी हैं। ये देखें मेल पीछे पड़े हुए हैं। ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी इनसे चल रही है गर्मी में खासकर। अभी और भी रेड कलर में हैं वो पट्टे हैं, अभी आपको नज़र आ जाएंगे। अभी ऊपर बैठे हुए हैं वो भी उतर आएंगे। काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। अभी कुछ और भी हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। तकरीबन ये हो जाएंगे 30-32 में ये हो जाएंगे। तकरीबन 10-12 जोड़े 15 जोड़े बाहर कॉलोनी में हैं और बाकी जो है केज बाई केज में भी रखे हुए हैं। ये रेड कलर का मेल है और ये एक और अच्छा है रेड कलर में, वो भी अभी वे आ जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखें ये 3 रेड हो गए हैं। ये एक बड़ा मेल है, 2 पट्टे हैं इसके। पीछे जो है वो फीमेल मुझे लग रही है, ये पट्टा है साइड में जो बैठा होगा। माशाल्लाह आप तादाद चेक करें। इसलिए मैं सोच रहा था कि इनकी जो टोकरियाँ हैं जिसमें ये ब्रीड करती हैं वो बाहर दरख्त पर ही लगा देता हूँ, तो वो सेट हो जाएंगे। रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये पट्टा निकला हुआ है, अभी ऐसे ही चूंचे मार रहा है। अभी से आप इतने रहते थे चूंचे ही मार रहा है, जिस तरह बड़े मार रहे हैं सारे। चलिए दोस्तों मैं लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाई जाती है, तो कौन सी टोकरियाँ होती हैं ब्रीड के लिए, इनका खासकर कुछ टोकरियाँ होती हैं ब्रीड के लिए। जी दोस्तों मैं आ चुका हूँ, क्योंकि आपको मैंने दिखाया तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है और अंदर गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन बच्चे भी निकले हुए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाएँ। ये देखें ये मैं बाहर इसके ऊपर लगा लूँ तो चाहे यहाँ पे ये ब्रीड करेंगे। पिछले जो सीज़न था यहाँ पे भी इसने ब्रीड की थी, लेकिन ये देखें अंडे पड़े हुए हैं इसके अंदर भी ब्रीड की थी पिछले सीज़न में। अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पे लगाने जाने क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर जो बच्चे हैं वो गर्मी की वजह से मर जाते हैं, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये 3-4 टोकरियाँ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये आसानी से ब्रीड कर सकें। ये देखें एक टोकरी यहाँ पे लगा दी है मैंने, और 2 टोकरी जो है वो मैं ऊपर लगा दूँगा ताकि कुछ पेयर यहाँ पे ब्रीड कर सकें। ये बेंडिंग तार से मैं इसको मजबूत कर दूँगा, ये यहाँ पे ब्रीड कर देंगे। और एक मैं ऊपर यहाँ पे भी लगा देता हूँ। जितनी ज़्यादा टोकरियाँ होंगी उतनी ज़्यादा ये ब्रीड करेंगी, वरना ये इस तरह होता है कि एक ही टोकरी के अंदर सारे पेयर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। पिछले हफ्ते मैंने चेक किया था कि एक ही टोकरी में 8 अंडे दिए हुए थे, 4 पेयर ने एक ही टोकरी में ब्रीड कर रखी थी। तो जितनी ज़्यादा टोकरियाँ होंगी उतनी ज़्यादा ये ब्रीड भी अच्छी करेंगे, आप ब्रीड भी अच्छी मिलेगी, तो महफूज भी होगी। ये यहाँ पे लगा देता हूँ मुख्तलिफ। ये देखें दोस्तों, ये टोकरियाँ मैंने लगा दी हैं। ये देखें, एक इधर लगाई है, उधर लगाई है ऊपर, और दो नीचे लगाई हैं। ये देखें यहाँ पे लगा दिए। ये इनका खाने का बर्तन है। ये टोकरियाँ मैंने लगा दी हैं ताकि जो अंदर ब्रीड कर रहे थे, तो गर्मी की वजह से बच्चे मर रहे थे, बाहर ही ये ब्रीड करेंगे तो इसके बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ हवा लगती है ओपन एवरी में। जी दोस्तों, मैंने डाव को टोकरियाँ लगा दी है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर ब्रीड होगी, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।